आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर लाया हूं दोस्तों, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं आपको मायूस भी कर देगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल बोस, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। अजय देवगन साहब की फिल्म तानाजी के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई इस साल 2019 में उनकी फिल्म आएगी और हम लोग अजय सर को एक्शन करते हुए देखेंगे। इस वीर गाथा को जो कि तानाजी मालुसरे जी के ऊपर है उसे देखेंगे दोस्तों, और हम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी खुशी को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि फिल्म अब रिलीज होने वाली है 10 जनवरी 2020 को। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन साहब ने इस बात को ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए हम सबको बताई है कि आप लोग अपने नए साल की जो शुरुआत है वो मेरे साथ कीजिएगा। 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी तानाजी द अनसंग वॉरियर। और आपको बता दो दोस्तों, इस फिल्म में भारी VFX का इस्तेमाल होगा, भारी एक्शन सीन्स हैं, इसलिए शायद ये पोस्टपोन कर दी गई है। और अजय देवगन साहब को पता है कि किस तरीके से उनको सेफ, मतलब कि फिल्म को ब्रीथ करने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस साल नवंबर की बात चल रही थी और वैसे इतनी सारी फिल्में लाइनअप है कि क्या बताएं। सो ऐसे में अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि अजय सर ने एक बहुत अच्छा डिसीजन भी लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उदास हो गए, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ये साल अजय देवगन जी का होने वाला है, क्योंकि उनकी 3 फिल्में आएंगी। अब ऐसे में कोई बात नहीं, इस साल आप टोटल धमाल और दे दे प्यार दे के साथ ही रहिए, लेकिन अगले साल जनवरी में 2020 में आप लोग स्वागत कीजिएगा अजय देवगन साहब का तानाजी द अनसंग वॉरियर में। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको क्या बात कहनी है इस बारे में और कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, मैं राहुल भोज अपडेट्स करता रहूंगा।